केजरीवाल जी ऑटो चालक से मास्क ना पहनने पर 2000 रुपये का जुर्माना ना वसूलें। यह अपील देश के जाने माने हिंदी एंकर रवीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से फेसबुक पर लिखे खुले खत में की है। नमस्कार आदाब, मैं हूं आपका हामिद सैफी और आप देख रहे हैं Time24 न्यूज़। NDTV के संपादक और जाने माने एंकर फेसबुक पर लिखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, मैंने आज एक हृदय विदारक दृश्य देखा है। अपना सैंपल देकर लौट रहा था, सड़क के किनारे एक वयस्क नागरिक खड़ा होकर रो रहा था। मैंने कार का शीशा नीचे किया और उसे पूछा कि भाई क्या बात है, तो उसका जवाब था कि मास्क नाक के नीचे था, कोई सवारी नहीं थी, लेकिन 2000 रुपये का फाइन ले लिया, मेरी सारी कमाई चली गई। वो वयस्क नागरिक ऑटो चालक है। एक नागरिक की व्यवस्था इस स्तर तक की जाए, कम से कम आपके मुख्यमंत्री होते हुए नहीं होना चाहिए। अपनी पोस्ट में रवीश आगे लिखते हैं, ऑटो चालक, रेहड़ी पटरी वाले क्या इतना कमाते हैं कि उनसे 2000 रुपये का जुर्माना लिया जा रहा है? क्या इस देश में कोई गृहमंत्री अमित शाह को मास्क ना पहनने पर जुर्माना लगा सकता है? अपनी सारी साख को मिट्टी में मिला देने वाला चुनाव आयोग के अधिकारी इसकी कल्पना से ही रात भर सो नहीं पाएंगे कि रवीश कुमार ने इतना मुश्किल टास्क क्यों दे दिया। वैसे उनके बच्चे पूछते तो होंगे कि डैड, EC बनकर आप गृहमंत्री को फाइन नहीं कर पाए क्यों? उनके बच्चे 20 साल बाद इस दौर के आयोग पर जब रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दिल्ली में एक अदद फ्लैट और झूठी शान के लिए उनके पिताओं ने आयोग की कुर्सी पर बैठकर क्या किया था। एनीवे, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप कृपया इस फैसले पर विचार करें। आपकी राजनीतिक सफलता में ऑटो चालक का बड़ा योगदान रहा है। रवीश ने लिखा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे इस आग्रह पर विचार करेंगे कि रेहड़ी पटरी वालों और ऑटो चालक के लिए 2000 रुपये के जुर्माने की प्रथा को समाप्त कर देंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई अध्ययन है जिससे पता चलता हो कि मास्क ना लगाने पर 2000 रुपये जुर्माने लेने से मास्क पहनने का चलन बढ़ जाता है, तो कृपया कर हम सभी से साझा करें। मुझे नहीं लगता कि कोरोना के फैलाव को रोकने में जुर्माने का कोई महत्व है। अगर बहुत ज़रूरी है तो एक ऑटो चालक 50 रुपये का जुर्माना देकर भी दिन भर याद करता रहेगा कि उससे गलती हो गई है। मैंने एक खबर पढ़ी है, यूपी के मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि पहली बार मास्क ना पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10000 रुपये का। मुख्यमंत्री ने ही आइसोलेशन के नियमों का पालन नहीं किया, अब कुछ करने के नाम पर दुनिया के सबसे गरीब प्रदेशों में से एक उत्तर प्रदेश के नागरिकों से 10000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं रखता, उनका मन अभी दीदी और दीदी बोलने में लगा हुआ है। कुछ लिख दूंगा तो सारे IT सेल वाले मेरे पीछे लग जाएंगे, जैसे इस वक्त टेस्ट और इलाज की व्यवस्था करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि रवीश कुमार को गाली दी जाए। कमाल है ना, राजनीति में गाली देने की आधिकारिक व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री रैलियों में कहते हैं कि मुझे जितनी गाली देनी है दे लो। वे आलोचना और प्रश्नों को भी गाली कहने लगते हैं। एक बार IT सेल वालों से कहा होता कि सच के रास्ते पर चलो, किसी को गाली मत दो। IT सेल की क्या भूमिका है, मैं फिर से अमित शाह के बयान का जिक्र नहीं करना चाहता। रवीश ने आगे लिखा है कि लखनऊ यूपी की राजनीति का केंद्र है, लखनऊ से जो खबरें आ रही हैं वे भयानक हैं। लखनऊ लाशों की गंध से भरा है। 10000 रुपये जुर्माना लगाने से अच्छा होता कि यह बताया जाता कि दुनिया के कई देशों के बराबर यूपी में सरकार ने पिछले एक साल में कितने RT-PCR जाँच केंद्र बनवाए हैं। सरकार ने यह काम क्यों नहीं किया? जज अपनी पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। यूपी के कानून मंत्री पद्मश्री और लखनऊ के इतिहासकार योगेश प्रवीण के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करा पाए। ऐसा नहीं है कि दूसरी सरकारों के यहाँ व्यवस्था बहुत बेहतर है। मैं कांग्रेस सरकारों की भी बात कर रहा हूँ। दिल्ली में भी निजी जाँच केंद्र 5-5 दिन बाद सैंपल लेने का टाइम दे रहे हैं। जहां सबसे अच्छी व्यवस्था है वहां ये हाल है, तो जहां कोई व्यवस्था नहीं थी वहां क्या हाल होगा, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है।
एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूं कि आप गरीब नागरिक और दिहाड़ी कमाने वालों से 2000 रुपए का जुर्माना न वसूलें। कोशिश करके देख सकते हैं कि क्या कोई दूसरा तरीका है कि मास्क ना पहनने वालों को लगातार जागरूक किया जा सके। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि फाइन से कुछ नहीं होता, फिर भी आप एक बार विचार करके देखेंगे। एक बात और, मैं चाहता हूं कि भारत का हर एक नागरिक मेरी बात को अपने घरों में लिख कर रख ले। आपसे भी चाहूंगा कि आप मेरी इस बात का प्रचार करें अगर आपको सही लगता है तो। हिंदी प्रदेश धर्म के नशे में है, उनकी राजनीतिक और नागरिक चेतना मिट्टी में मिल चुकी है। रविश आगे लिखते हैं, मेरी एक थ्योरी है जिसके समझ में आने की डेडलाइन 20 साल बाद शुरू होती है। 20 साल बाद मेरी ये पंक्तियाँ स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी और दीवारों पर लिखी होंगी। गुजरात को धर्म की राजनीति से क्या मिला, मैं गुजरात से पूछने वाला हूँ। गुजरात जाकर गुजरात के भाइयों और बहनों से आँख मिलाकर पूछूंगा कि धर्म की राजनीति से आपको क्या मिला। मरने से पहले एम्बुलेंस मिला। मैं जानता हूँ जो लोग अस्पताल में अपनों को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं वो भी मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, फिर भी जनता को बताना जरूरी है। धर्म राजनीति का सत्यानाश कर देता है, जब राजनीति का सत्यानाश होता है तब सरकारें आवारा हो जाती हैं और नेता लोफर हो जाता है। जब भी राजनीति धर्म का इस्तेमाल करती है सारे लोफर नेता बन जाते हैं। धर्म सरकारों को जवाबदेही से मुक्त कर देता है और जनता को भी उस सत्यानाश का सहयात्री बना देता है। इसलिए राजनीति में जब कोई नेता धर्म की बात करे तो समझें कि उससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। जो नेता अस्पताल की बात करे वही नेता है। कम से कम उससे पूछा जा सकता है कि आपने 100 अस्पताल बनाने का वादा किया था, कितने बने हैं। धर्म की बात करने वाले नेता से आप क्या पूछेंगे। गोदी मीडिया इन दिनों क्या कर रहा है मैं तो देखता नहीं। जिस मीडिया को कोरोना के समय सरकारों पर चौकस निगाह रखनी चाहिए थी वो मीडिया जनता को धर्म की अफीम बेच रहा था, नेता का महिमंडन कर रहा था, झूठ बेच रहा था। नागरिक डरा हुआ है, वो अब सवाल पूछने लायक नहीं बचा है। पुनः आग्रह करता हूँ कि हजारों रुपये जुर्माने की प्रथा खत्म करें और इसे खत्म करने के लिए राजनीतिक मुद्दा बनाएं। रवीश कुमार, दुनिया का पहला जीरो TRP एंकर। ये खुला खत रवीश कुमार ने अपने फेसबुक वॉल पर एक ऑटो वालों से वसूला गया 2000 रुपये के जुर्माने के बाद लिखा है। आपकी इसको लेकर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।